बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसे का आपके जीवन में क्या उपयोग है? कहां से आता है ये पैसा? दुनियादारी में हमारा बाप है पैसा। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी और कमबख्त पैसा के नए नवेले एपिसोड पे आपका स्वागत नहीं सिलेक्शन है। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जो पैसे का इस्तेमाल अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ना करता हो। पर कभी आपने ये सोचा है कि पैसे का आविष्कार कहां से हुआ? कौन था वो कमबख्त और कौन थी वो कमबख्त घड़ी जब किसी ने पैसे का आविष्कार किया और डाल दिया उसको आपकी जेब में? कुछ सदियों पहले पैसा चलता था बार्टर सिस्टम के तहत, यानी कि आप मुझे मुर्गी दीजिए, मैं आपको दाल दूंगा। आप मुझे कुर्सी दीजिए तो मैं आपको मेज दूंगा। चलते चलते ये पहुंचा गोल्ड तक, गोल्ड से पहुंचा ये कैश तक, और आज मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम में आप बैठे हैं डिजिटल वॉलेट्स के साथ। 2022 का दौर है। आप ये वीडियो शायद अपने मोबाइल ऐप पे देख रहे होंगे, जिस ऐप को बनाने के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा लिया गया था और वो पैसा FDI के माध्यम से पहुंचा आपके देश में और इस वक्त है आपकी हथेली पर, जिस हथेली से आप करते हैं गूगल पे। मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ ये सब बातें, इनका मतलब क्या है? कमबख्त पैसा एक ऐसी खुराक है दोस्त, जिसको दुनिया में हर कोई लेता है पर समझते बहुत कम है। ये एपिसोड, ये सीरीज एक पहल है हमारी आपको ये समझाने की कि पैसा आखिर काम कैसे करता है। फिलहाल शुरू करते हैं पैसे के मौजूदा स्वरूप से। पैसे ने हमारे आसपास जो तांडव मचा के रखा हुआ है उससे दुनिया जा चुकी है इस वक्त एक आर्थिक रिसेशन में। क्या होता है आर्थिक रिसेशन और कहां से आता है? शायद आपकी जबान पे टिका होगा रशिया यूक्रेन का नाम, पर रशिया यूक्रेन की वॉर एक बहुत आखिरी स्तंभ है रिसेशन के इस दौर में। ले चलता हूं आपको 2 साल पहले, मार्च 2020 में, जब दुनिया कोविड की मारामारी से जूझना शुरू कर रही थी। वो एक ऐसा दौर था जब दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स, प्राइमरीली फेडरल रिजर्व जो कि अमेरिका में बैठता है, उनको ये चिंता सता रही थी कि अगर सब लोग अपने घर में बैठेंगे तो काम कौन करेगा। और इसी वजह से फेडरल रिजर्व ने मार्च 2020 में छाप दिए बहुत सारे नोट और फ्लड कर दिया मार्केट को आसान मनी से। आपको याद होगा 2020 में स्टॉक मार्केट ऐसी ऊंचाइयों पे पहुंचा था जो हमने आज तक नहीं देखा था। वो पैसा आया था फेडरल बैंक की वजह से, वो पैसा रिलीज किया गया मार्केट में और बेइंतहा तरीके से लोगों ने खर्च करना शुरू कर दिया क्योंकि लोन की अवेलेबिलिटी ग्रुप बहुत आसान हो गई। उसके बाद क्या हुआ? चीन से सब गुस्सा बैठे थे क्योंकि चीन से आया था कोविड। चीन पे निर्भरता लोगों ने कम करनी शुरू कर दी। इसकी वजह से दुनिया भर में सेमीकंडक्टर शॉर्टेज हो गई, सप्लाई साइड शॉर्टेज हो गई, और उस वजह से दुनिया भर में बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज टाइम पे उपलब्ध नहीं हो पाए। आपको याद होगा अगर 2021 में आपने अपनी गाड़ी के लिए ऑर्डर दिया था तो सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की वजह से 6 महीना 8 महीना आगे गाड़ी जा रही थी। सप्लाई साइड के इस तरह के शॉर्टेज की वजह से और चीन से दूरी बनाने के चक्कर में दुनिया भर में सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट आ गए। दुनिया भर में चीजें मुश्किल से मिलने लग गई और उसने जन्म दिया इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। महंगाई की जब उस टाइम से चली आ रही है। रही सही कसर पूरी कर दी अमेज़न रेन फॉरेस्ट फायर ने, जो कि लैटिन अमेरिका में केंद्रित है। मैं आपको बता दूं, लैटिन अमेरिका दोस्त सोयाबीन रिजर्व है दुनिया का। अब क्योंकि वहां के जंगलों में लग गई आग तो उससे सप्लाई साइड शॉर्टेज बढ़ गई फूड की तरफ। उसके बाद आ गया हम सबका फेवरेट टॉपिक, रशिया यूक्रेन वॉर। यूक्रेन दुनिया भर में फूड बास्केट के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे एसेंशियल आइटम्स जैसे कि वीट, कॉर्न, बार्ले वगैरह वगैरह यूक्रेन से दुनिया भर में एक्सपोर्ट हुआ करते थे। फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट हुआ करते थे। रशिया दुनिया भर का गैस रिजर्व था, ऑयल रिजर्व था, और आज आप देख ही रहे हैं कि तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ये सारे फैक्टर्स कंबाइन करके दोस्त आज हम बैठे हैं 2022 में। अमेरिका में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की दर इस वक्त 40 सालों में सबसे ज्यादा हाई है। वहां के फेडरल रिजर्व बैंक ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना शुरू कर दिया है जो कि 28 साल में सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में इस वक्त महंगाई की दर आसमान छू रही है, तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, हर चीज महंगी हो रही है क्योंकि दुनिया भर में कोई भी आर्थिक डेवलपमेंट होता है वो भारत को भी अब अफेक्ट करता है क्योंकि इंडिया बन चुका है ग्लोबल इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा। आलम अभी यह है गुरु कि आपका रुपया डॉलर के मुकाबले 80 को छूने वाला है।
पिछले दो सालों में सबसे ज्यादा रेट है। मैं आपको बता दूं 2020 में हम 70 पे बैठे थे और अभी 80 पे पहुंचने वाले हैं। सोचिए तो इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा हमारे इम्पोर्ट्स पर, जिससे कि सरकार के खर्चे और भी ज्यादा बढ़ेंगे। फिस्कल डेफिसिट, जिसको हम बुलाते हैं सरकार की आमदनी और खर्चे में फर्क, वो भी बढ़ेगा। उससे होगा ये कि आने वाले दिनों में आपके लिए टैक्स बढ़ेगा। पैसे का ये प्रकोप, पैसे का ये स्वरूप हम अगले एपिसोड पर भी जारी रखेंगे और जोड़ेंगे दुनिया भर की इकोनॉमी को आपकी जेब से, दुनिया भर के आर्थिक डेवलपमेंट्स को आपकी जेब से। क्योंकि दुनिया में कोई भी बड़ा आर्थिक डेवलपमेंट होता है, छोटा डेवलपमेंट ही सही, वो कहीं ना कहीं आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को हिलाता है। अगले एपिसोड तक पैसा संभाल के रखो दोस्त, क्योंकि कमबख्त पैसा किसी को नहीं छोड़ता। शब्बख़ैर।